हेलो दोस्तों, आज हमारे पास डेल का लैपटॉप। देखिए इसमें स्क्रीन की दिक्कत है, ऑन करने पे ऐसा आ रहा है कि हमारी स्क्रीन टूट चुकी है। देखिए आज हम इसके स्क्रीन को बदलेंगे, तो बने रहिए वीडियो से। यह है डेल का स्क्रीन, डेल ओरिजिनल स्क्रीन है ये। तो इसको हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, इसको हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। ये देखिए डेल की ओरिजिनल स्क्रीन है ये। यह है डेल की ओरिजिनल स्क्रीन। 30 पिन पेपर इसको हम इसमें लगाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले लैपटॉप ऑफ कर देना है और इस पैनल को खोलेंगे हम। ये देखिए ऐसे ऐसे हाथ करके ऐसे करना है, खोल रहे हैं। सावधानी से इसको करना है काम। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप छोड़ दीजिए, किसी नज़दीकी दुकानदार से मिल के आप अपना काम करवा सकते हैं, स्क्रीन चेंज कर सकते हैं। बड़ी सावधानी से करनी होती है। ये खुल चुका है पैनल हमारा और हम इसका ये स्क्रू खोलेंगे। ये सब स्क्रू होते हैं यहाँ पे, ये चारों स्क्रू हम खोलेंगे। हम इसको खोल रहे हैं। चारों स्क्रू खुल चुके हैं, इसको हम यहाँ से ऐसे पैनल को गिरा लेंगे। और फिर ये देखिए पन्नी यहाँ चिपकी होती है ग्लूगन से, ग्लू से इसको हम से आराम से उजाड़ेंगे, आसानी से सावधानी से। फिर एक यहाँ पे एक लॉक होता है, ये एक लॉक है, ये इसको हम ऊपर करेंगे। देखिए आप ये लॉक ऊपर करके और इसको ऐसे निकाल लेंगे। ये स्क्रीन हम अलग रख रहे हैं और ये नई स्क्रीन को उठा ले रहे हैं। इसके लिए पहले हमें नीचे की पन्नी जो है लगी होनी चाहिए ताकि स्क्रैच ना पड़े इस पर, और इसको ठीक उसी तरह खांचे को देखकर बैठा लेंगे आसानी से सावधानी से। ठीक, अभी इसको हम लॉक कर देंगे। देखिए लॉक हो चुका है, इसको हम चिपका देंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर एक टेप भी और चिपका सकते हैं ताकि ये पन्नी उजड़े ना और आपके स्क्रीन का पट्टा ढीला ना हो। तो हम इस पर एक टेप चिपका दे रहे हैं। ये देखिए जो है टेप लग गया है, टेप चिपका दिया ताकि इसका पट्टा ढीला ना हो और हमें दोबारा स्क्रीन से दिक्कत ना हो। अब हम इसको ऑन कर रहे हैं। बांधने से पहले हम इसको ऑन कर लेंगे। इसको ऑन कर रहे हैं, पूरी तरह से चेक होने के बाद ही इसको पैनल लगाएंगे। देखिए डिस्प्ले हमारा डेल का आ चुका है, लैपटॉप हमारा सही हो चुका है।
लैपटॉप हमारा ऑन हो चुका है, देखिए स्क्रीन चेंज हो गई है, पुरानी वाली स्क्रीन ये रखी हुई है। अब हम इसको फिर से उसी तरह ये पैनल लगाकर बांधते हैं। उससे पहले इस स्क्रीन को यहाँ पे बैठा कर स्क्रू लगाएंगे, जैसे लगा हुआ था वैसे ही दोबारा लगाएंगे। तो इसके लिए पहले हमें लैपटॉप फिर से सेट डाउन करना पड़ेगा। याद रखिए, ऑन लैपटॉप पे आप न स्क्रू खोलिए, न स्क्रू बंद करिए, न स्क्रीन का पट्टा निकालिए, न स्क्रीन का पट्टा लगाइए। जब भी ये ऐसा काम करें सेट डाउन होने के बाद ही, देखिए यहाँ पे अभी डिस्प्ले जा चुका है लेकिन इस पर भी अभी लाइट है, पावर है, यानी कि अभी पूरी तरह से बंद नहीं हुआ, तो हमें इसका भी इंतज़ार करना चाहिए। देखिए अब बंद हो चुका है ये। अब हम इसको फिर से स्क्रू लगाकर और ये पैनल लगाकर लैपटॉप रखेंगे, फिर ऑन करेंगे। ये देखिए स्क्रीन को मैंने उसके ठीक उसी जगह पैनल बैठा दिया स्क्रीन। अब हम इसका पेच उसी जगह पे टाइट करेंगे। देखिए पेच हमने बैठा दिया है, पेच सारे लग चुके हैं, सारे पेच लग चुके हैं। अब हम इसके पैनल को लगाएंगे सावधानी से, इसके पैनल को पहले ऊपर से बैठा लेंगे और ऐसे हल्के हाथ से इसको दबाते रहेंगे, ये ऑटोमेटिक बैठता रहेगा। तो देखिए पैनल बैठ गया है पूरी तरह से, इसका पैनल बैठ चुका है। अब हम इसको दोबारा ऑन करेंगे और देखते हैं हमारी समस्या समाधान हुई या नहीं। ऑन हो गया है डिस्प्ले, ये देखिए लैपटॉप सही हो चुका है, डिस्प्ले चेंज हो गया है। अगर आपके लैपटॉप में ऐसी कोई समस्या आ रही है तो आप डिस्प्ले घर मंगवा कर और चेंज कर सकते हैं, या आपको चेंज करने में कोई समस्या हो रही है या कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप नज़दीकी दुकानदार से संपर्क करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।